एक पास्टर वेदी पे गया, पता नहीं उसके दिमाग में क्या आया, उसने बोला, वो प्रार्थना कर रहा था कि परमेश्वर मेरे रास्ते को खोल, मैं टीवी मिनिस्ट्री में जाना चाहता हूं। और जब कोई रास्ता नहीं खुला, पुलपट पे गया और डेवल ने मैनिपुलेट कर दिया उसको, और उसने बोला जरूरी नहीं कि टीवी पे आया जाए, खुदा वैसे भी काम कर सकता है, जरूरी टीवी पे आने पे करता है, वो छोटे सेवकों की तरह काम कर सकता है। जैसे ही उसने ये बोला, उस दिन उसकी चर्च में परमेश्वर ने एक बंदे को टैची भर के पैसे देके भेजा था, बोला था कि उस पास्टर की चर्च में जा और उसको बोल कि मैं टीवी मिनिस्ट्री के लिए आपको बीज देता हूं। और जब वो चर्च में बैठा वचन सुन रहा है और वो उसने एक पास्टर ने कहा मुझे नहीं टीवी पे आने की जरूरत, तो कहा परमेश्वर ने तो बोला था ये टीवी पे आना चाहता है। अब विश्वासी होते विश्वासी ही है, तो लगा शायद परमेश्वर ने मुझसे बात ही नहीं की, वो अपना बैग उठाया और वापिस चला गया। आप इमेजिन करो, अगर वो प्रेयर से, फायर से और फेथ से चलता तो वो उसका ब्रेक थ्रू का डे था, वो उसके मोड़ का दिन था, वो उसके एक नई आशीष का दिन था, जहां से एक नई शुरुआत होनी थी। पास्टर सोच रहे कि खुदा ने बोला था कि आज एक बंदा एक ऑफरिंग लेके आएगा जिससे एक बड़ा काम उसकी लाइफ में होना था, एक बड़ा काम खुदा ने करना था। इमेजिन करो एक पास्टर को कितनी प्रेयर्स की जरूरत होगी अपने काम के लिए, अपने आप के लिए, कि जब वो पुलपिट के ऊपर जाए तो खुदावंद ब्रेक करे बंधनों को, रास्ते खुले आपकी लाइफ में। इमेजिन करो आपके बिजनेस में कितने राइट पर्सन होंगे जिनको रॉन्ग गाइड किया गया होगा, आपकी फैमिली में कितने डिवाइन हेल्पर्स होंगे जिनके जिनको आपके बारे में बुरी बातें किसी शैतानी व्यक्ति ने बताई। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिनके बारे में परमेश्वर ने मुझे बताया कि जब तक वो अधीनगी में नहीं आएंगे वो ब्लेस नहीं होंगे, पास्टर्स। पर आप जानते हैं ऐसे लोग जो यहां से निकले और खिलाफत करते हैं, उनकी बात सुनने के कारण वो समझ नहीं पा रहे, वो ये नहीं सोच रहे कि वो गिरे क्यों थे, वो विचार में गिरे तो यहां से निकाले गए। उनकी बात को सुनना, अब आप इमेजिन करो कौन सा अच्छा रिजल्ट लेके आएगा उनकी लाइफ। ये चीजें जब तक इंसान नहीं समझता वो नेक्स्ट लेवल पे नहीं जाता, इसलिए आप देखते हो कि लेवल बढ़ते नहीं पास्टर्स के, लोगों के फाइनेंशियल लेवल, क्योंकि उन्हें ये मालूम नहीं कि कौन सा व्यक्ति किस वेदी से बात कर रहा है, और जब उन्हें ये समझ आती तब तक बहुत देर हो चुकी होती। इसीलिए बेस्ट ऑप्शन है कि अगर कोई व्यक्ति विनर है तो उसकी बात को सुनो, जिसने वेदियां तोड़ी उसकी बात को सुनो, उसकी बात को सुनो, वो अलग होगी लोगों से लेकिन उसी में छुटकारा होगा। जब आप स्पिरिचुअली चलते हैं आप फिर देखते हैं चीजों को आप होते हुए अपनी लाइफ में। मैनिपुलेशन एक प्रेयरलेस व्यक्ति आराम से हो सकता है। अब आपको चुनना है, आप उस व्यक्ति से मैनिपुलेट होना चाहते हैं जो खुद प्रेयर में नहीं, खुद व्यभिचार में, खुद चोरी करके आया, या उस व्यक्ति से जो विनर है, जो खुदा की वेदी पे खड़ा है, जो खुदा की ओर है। जब हम उस ओर चलते हैं तब हमें बातें भी परमेश्वर अपनी वेदी से जो बताता है वो डिलीवर करने वाली हो। इन चीजों को समझने के लिए आपको स्पिरिचुअल संगतियां चाहिए, आपको कनेक्शन चाहिए। अल्टर वर्सेस अल्टर, उसने अपने अल्टर पे अपना बेटा चढ़ाया, इन्होंने कुछ नहीं किया, सो रहे हैं आराम से और देख रहे हैं, अच्छा अगर बुद्धिमान होते तो ये भी वेदी बनाते और खुदा को पुकारते, उसके सामने बलि करते। आपके खिलाफ रात को प्रार्थनाएं और टूने हो रहे हैं, आप रात को सो रहे हैं। लड़ने वाले जीतेंगे, सिर्फ क्रिश्चियन बन के नहीं, नाम के मसीही नहीं। एवरी नाइट मैं आप लोगों के लिए प्रेयर में रहता हूं, एवरी नाइट। आप जिन रास्तों से चर्च आते हो और आने वाले दिनों में आओगे वो मेरी प्रेयर्स में है, आपके गाड़ियां मेरी प्रेयर्स में, आपके जीवन, आपके फाइनेंसेस मेरी प्रेयर्स में। सफलता एक चीज सिर्फ इत्तेफाक से नहीं, कुछ हुआ है उनकी लाइफ। बहुत से लोग पता क्या सोचते हैं, अच्छा इसके जैसा वचन कॉपी कर लो, इसके जैसे स्टिकर कॉपी करो, सेम टीचिंग स्टाइल कॉपी कर लो, हम भी सक्सेसफुल हो जाएंगे। वो सिर्फ मेरा बाहरी है, वो सिर्फ बाहर निकल रहा है जो आप कॉपी कर रहे हो। मेरा इनसाइड जो आप वो है वो किसी को मालूम नहीं, वो बहुत कम मेरे सन्स और डॉटर्स को मालूम। वो स्ट्रांग लाइफ, वो थिंकिंग, वो माइंड सेट जब तक नहीं होगा कुछ भी कॉपी कर लो कुछ नहीं होगा। एक हाथी का बच्चा प्रार्थना नहीं करता उसका भार बढ़े, और मछली का बच्चा कभी प्रार्थना नहीं करता उसको तैरना है। जब आप सेम डीएनए में अटैच हो जाते हैं समथिंग हैपेंस, आपको पता लगता है कि हाँ अब हो रहा है, अब वर्कआउट हो रहा है इस काम के। अपनी वेदियों को मजबूत करो और ढाओ शैतानी वेदियों को फायर प्रेयर से, स्ट्रॉन्ग प्रेयर से, पवित्रता से, प्रार्थना में चलते हुए। अल्टर वर्सेस अल्टर, वेदी खिलाफ वेदी। शैतान अलर्ट है, पूरा काम कर रहा है, आप सो के नहीं जीत सकते। और अगर आप सिर्फ जागे हुए, आप इमेजिन करो 90-90 साल के वो बंदे थे
और मेरी उम्र उस टाइम 19 साल थी, 20 इयर्स का था मैं, बिना आत्मिक बिना किसी बड़ी नॉलेज के, सिर्फ प्रेयर में, पवित्रताई में, फास्टिंग में, बाइबल रीडिंग, ये लाइफ थी। और खुदा से पूरा प्यार, किसी के सामने यीशु मसीह के सामने मामले में झुके नहीं। अगर उसने आपके ऊपर वर्ड डिक्लेयर किया तो वापिस आएगा, एक दिन पछताएगा अगर आप बोले नहीं, ऐसा होगा। आप जानते हैं वो आपने शैतानी वेदियों के ऊपर से उसने वचन आपको दिए, तो मैं उसी टाइम बोलता था कि मैं पछताऊंगा नहीं, तुम लोग पछताओगे अगर मेरे पास आओगे। और ऐसा हुआ, ऐसा हो रहा है। आप इमेजिन करो, उस टाइम अगर परमेश्वर मुझे जिता सकता है, सोचो आपको भी वो जिता सकता है। आप तो फायर प्रेयर में मेरे साथ हो, आप तो चर्च के साथ अटैच्ड हो। हमको वचन इंटरनेट से लेना पड़ता था, उसको देख उसको देख। आप मुझसे ले रहे हो वर्ड को। आज जब मैं बाइबल को पढ़ने के लिए बैठता हूं तो मैं इसमें घुस जाता हूं। ये नीति वचन 6 और उसकी 32 आयत का लिखा, जो पर स्त्री गमन करता है वो निरानिर बुद्धि है, वो अपने प्राणों को नष्ट करना चाहता है, वही ऐसा करता है। लिखा, जो पराई स्त्रियों के पास जाता है वो मूर्ख व्यक्ति है, और जो अपने प्राणों को नष्ट करना चाहता है वही ऐसा करता है। उसको घायल और अपमानित होना पड़ेगा, उसकी नामधराई कभी ना मिटेगी। कहता उसको घायल और अपमानित, यानी उसकी बेइज्जती होगी और उसकी नामधराई, उसकी इंसल्ट, उस पर काला धब्बा कभी नहीं मिटेगा। आज सुलेमान का जब नाम अपने मुंह से लेते हैं तो आधा बुद्धि नजर आती है, आधा व्यभिचार नजर आता है, ऐसा है ना। हमें यह नहीं लगता कि विक्टोरियस राजा है, वो उसके साथ जुड़ा हुआ है आज भी, उसकी नामधराई कभी ना मिटेगी, मतलब 20 साल बाद भी नहीं, 40 के साथ बाद भी नहीं। उसको घायल और अपमानित, इंसल्ट उसकी होगी, निर्बुद्धि है, वो अपने प्राणों का नाश करेगा। अगर ये वर्ड आप मेडिटेट करो, क्या आप व्यभिचार कर सकते हो? नहीं। और ये मेरी लाइफ है, वर्ड को मेडिटेट करना, उसका हालत क्या हुआ जिसने किया वो सोचना, और जिसने नहीं किया वो सोचना, और फिर फैसला करना। और कौन मूर्ख है जो ये जानता है कि ये जहर और पीना चाहेगा। हमें ये डिसाइड करना है कि हम किसकी ओर है। लिखा, उसने अपने जेठे बेटे को, जो उसके स्थान पर राज्य करने वाला था, शहरपनाह पर बलि किया, और इज़राइल पर बड़ा ही प्रकोप हुआ, इसलिए वो उसे छोड़कर अपने देश को लौट गए। व्हाट ए सैड एंड, कितना सैड एंड हुआ। खुदावंद की वेदी को बना, सुबह शाम प्रार्थना की वेदी, बोने की वेदी, फास्टिंग की वेदी। याद रखो, शैतान आपके माइंड को मैनिपुलेट करना चाहता है कि एक रास्ता खुल रहा है किसी दिन, और ये बंदा किसी बॉस के सामने जा रहा है, उस दिन ही मूड खराब था और बॉस ने मना कर दिया। ये प्योर निशानी है फैमिली ऑल्टर की, और आपको उसके खिलाफ लड़ना है। और जिस वजह से वो आ रहा है, वो कनेक्शन व्यभिचार हो, वो कनेक्शन चोरी हो, वो कोई भी हो, याद रखो परमेश्वर चोर को माफ कर देगा, पर बाइबल कहती उसको वो चोरी का पैसा वापस देना पड़ेगा। अगर वो नहीं देता तो आने वाले दिनों में परमेश्वर निकलवा लेगा किसी को, किसी से, हॉस्पिटलों से, और किसी से, किसी तरह से। इजहाक को धोखा दिया गया याकूब के द्वारा, कहता पापा जी करो ब्लेस मेनू। हाँ, अरे तू तो याकूब लग रहा है। नहीं, मैं साहब हूं, देखो मेरे हाथ लगा के। लिखा, बकरी के बच्चों के जो काटे थे उसके, उसकी खाल अपने बालों रहित बाहों के ऊपर डाल के बाल वाली बाहें बना ली। और जब वो बड़ा हुआ, उसके बेटे हुए, उन्होंने भी धोखा दिया, बोले ये देख तेरे बेटे यूसुफ का कोट लहू में डुबा के बकरे के ही उसको दिया, बोला तेरा बेटा मर गया। बाप को धोखा दिया था लहू से, बकरी से, खुद धोखा खाया बकरी से। कहां भागेंगे हम? लाइफ वही देगी जो हमने बोया। कभी किसी का फायदा मत उठाओ, जो बोलना है मुंह पे बोलो, क्लियर लाइफ रखो, क्योंकि जो आप बोएंगे वो आप काटेंगे। जो बोलना है, नाराज हो मुंह पे बोलो, खुश हो मुंह पे बोलो, एंड एवरीथिंग, क्योंकि आप जो बो रहे हैं आप वो काटेंगे। शरीर के काम तो प्रकट हैं, गंदे काम, लुचपन, व्यभिचार, मूर्तिपूना, टोना, बैर, विरोध, ढा, लीला क्रीड़ा, मतवालापन, जादू, टोना, लेकिन आत्मा के फल
प्रेम आनंद शांति धीरज कृपा भलाई विश्वास नम्रता संयम। अगर उस टाइम संयम रखा होता अपने बॉस के सामने तो हालत कुछ और होती, अच्छा रिश्ते में चला गया होता, अच्छी ब्लेसिंग्स में चला गया होता। लेकिन जब वेदियां आपको मैनिपुलेट करती हैं, आपको नहीं मालूम, जो व्यक्ति आपका डिवाइन हेल्पर होता है उसी के खिलाफ आप बदतमीजी कर लेते और उसके बाद फिनिश लाइफ, फिर आपको ABCD दोबारा से शुरू करना पड़ता, वही वेदी को स्ट्रॉन्ग करना पड़ता, वही करना पड़ता जो पहले करते थे, विश्वास, अधीनगी, प्रार्थना, पवित्रता ही। और प्रॉब्लम ये है जब लोग गिरते हैं वो और गिर जाते हैं और फिर और गिरने से और कर्स में चले जाते हैं, जबकि उनको उठना चाहिए और फिर से बने रहना चाहिए जब तक परमेश्वर उनको दोबारा आवाज ना दे। मैं जानता हूं कि परमेश्वर आपसे बात करेगा, अगर आप सिर्फ खुदावंद के साथ अटैच हैं, दिल से उससे प्यार करते हैं, आप देखोगे ब्रेक। आपको बहुत ऊंचे होने की जरूरत नहीं उनको तोड़ने के लिए। सिंपल लाइफ, पवित्रता, प्रार्थना, बाइबल, बोना, फास्टिंग, दैट्स इट। मैं 19 साल का था तब, ये तब की बात कर रहा हूं, 19 साल 20 साल, और बड़े बड़े लोग जो सालों से टूना करते आ रहे थे मेरे सामने ऐसे गिनती में पड़े थे, और हम खुदावंद को कह रहे थे कि परमेश्वर तेरा एक छोटे से छोटा भी हजारों पे भारी है। तो मेरा विश्वास है आप मिनिस्ट्री के साथ खड़े होंगे और खुदावंद के कामों के साथ खड़े होंगे।